मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले एक न्यू टॉपिक की, इसका नाम है यूनिट सेल। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसे डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैज़ ओवरऑल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल एंड फॉर्म विच द इंटायर लाइफ इज कैन बी बिल्ट अप बिल्ट कैन बी बिल्ड बाई रिपीटेशन इन थ्री डायमेंशन। तो इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, कोई भी हमारे पास एक ग्रुप है, जैसे कि एक बड़ी सी लैटिस, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इसको क्यूब कंसीडर कीजिएगा, है क्यूब, क्यूब है नहीं, लेकिन इसे कंसीडर कीजिएगा। अगर एक छोटा सा एक पार्ट है किसी लैटिस का, अगर मान लीजिए पूरी एक लैटिस है और ये किसी का छोटा सा पार्ट ले लें, तो इसे कहा जाता है यूनिट सेल। तो वही लिखा है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स, तो पूरे ग्रुप का एक स्मॉलेस्ट एटम जिसमें विच है ओवरऑल सिमेट्री होती है, सारी सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होंगी, जितनी एक क्यूब में सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसमें पूरी लैटिस में भी जो सिमेट्री प्रेजेंट होगी उतनी सिमेट्री इस क्यूब में भी प्रेजेंट होगी। और यूनिट सेल के यूनिट सेल अगर रिपीट करता है, एक यूनिट सेल अगर ये ऐसे रिपीट किया, ये इधर रिपीट किया, इधर रिपीट किया, तो इसके रिपीट से बनता है स्पेशलाइटिस, इंटायर लैटिस स्पेशलाइटिस, रिपीटेशन ऑफ थ्री डायमेंशन, ये थ्री डायमेंशन में रिपीट करता है तो स्पेशलाइटिस जनरेट होती है। तो स्पेशलाइटिस क्या होती है हम इसको भी देख लेते हैं, ये स्पेशलाइटिस। तो स्पेशलाइटिस इज डिफाइंड एज इनफाइनाइट रेगुलर थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स हैज सराउंडिंग आइडेंटिकल टू द एवरी पॉइंट। तो इसको समझ लीजिए, एक स्पेशलाइटिस जो होती है इनफाइनाइट रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में, रेगुलर अरेंजमेंट होगा उसका, एक क्यूब के बाद दूसरा क्यूब के बाद तीसरा चौथा, ऐसे ही रेगुलर अरेंजमेंट में यहाँ पर सभी अरेंज होंगे, और उसके चारों तरफ जो एक पॉइंट है ये है, तो इसके इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड जितने भी पॉइंट होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। तो अगर हम इसको अगर हम अपनी भाषा में लिखना चाहें और करके, तो द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेशलाइटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेशलाइटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं अगर अपनी भाषा में लिखना हो इसे, तो यूनिट सेल के रिपीट होने से बनते हैं स्पेशलाइटिस, तो वही लिख देना है, द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल टू फॉर्म द स्पेशलाइटिस। द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल टू फॉर्म स्पेशलाइटिस। मैं इसको लास्ट में जब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा, अभी यहाँ पर ऐसे ही डिफिनीशन थोड़ा सा ये टू डायमेंशनल में थ्री डायमेंशनल की तरह समझाया, लेकिन इसके लास्ट में जब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसमें मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से। तो अब हम देखने वाले हैं इसमें यूनिट सेल की रिप्रेजेंटेशन इन 2D, टू डायमेंशनल में यूनिट सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर पहला वाला है, यहाँ से इसे 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 ये पहला पार्ट है। तो इसमें है कि पहला पार्ट में क्या है, रेगुलर टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो रेगुलर टू डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब ये एक रेगुलर में होना चाहिए अरेंजमेंट इसका, ये नहीं कि एक यहाँ पर हो जाए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे नहीं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, नज़दीक नज़दीक, दूसरा दूर हो जाए, ऐसे नहीं होगा, रेगुलर होगा, यानी कि सेम डिस्टेंस पे होने का इसे रेगुलर, तो ये रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। और इस पॉइंट को कहा जाता है लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। अब दूसरे वाले में हम देखते हैं, दूसरा वाला पार्ट यहाँ से ये पूरा है, यहाँ से ऐसे ये पूरा, तो दूसरा ज्वाइनिंग फोर एडजेसेंट पॉइंट शोज रेक्टेंगुलर। अब इसमें हम फोर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जिसमें रेक्टेंगुलर होगा, तो ये फोर पॉइंट हम
ये 1 2 3 इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में। अगर ये रिपीट होगा जैसे कि आगे ये यूनिट से लगा ऐसे ऐसे रिपीट होगा तो यहाँ से एक लैटिस जनरेट होगी, स्पेस लैटिस ऐसे ऐसे। ये हो गया दूसरे के लिए, हम तीसरे के लिए बात करते हैं। तीसरे के लिए लिखा है ज्वाइनिंग फोर एडजेसेंट लैटिस पॉइंट सिमिलर टू द रेक्टेंगुलर शोज पैरेललोग्राम, इसको हम ए नाम देते हैं। तो ये फोर एडजेसेंट पॉइंट सिमिलर टू दी रेक्टेंगुलर लेकिन पैरेललोग्राम पैटर्न में, तो ये फोर पॉइंट ऐसे जॉइंट होगा, इसके एडजेसेंट में फोर पॉइंट ऐसे, इसके एडजेसेंट वाले ऐसे, अब वन पॉइंट ऐसे, इसे कहा जाता है पैरेललोग्राम, इसको नाम देते हैं एम बी। अगर ये इसी तरह से रिपीट हो, ये यूनिट सेल इस तरह से रिपीट हो तो ये भी एक लैटिस जनरेट करती है, स्पेस लैटिस। इसी तरह से ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब चौथे वाले की फिगर की बात आती है, तो इसमें क्या है शोज बिगर यूनिट सेल सी, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी लैटिस जनरेट होगी, वेयर लैटिस पॉइंट आर नॉट ओनली द कॉर्नर, लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे नहीं होगा बट आल्सो द सेंटर सी, इसके बीच में एक सेंटर भी होगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। ये इधर से जुड़ेगा, इधर से और ये वाला इस तरह से, ये बीच में एक पॉइंट बचेगा सेंटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। ये हो गई यूनिट सेल, अगर ये इसी तरह से रिपीट करे तो ये स्पेस लैटिस जनरेट करती है, वो इस तरह से। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, उधर जगह नहीं थी मैंने कम बनाया है। ये हो गया हमारा टू डायमेंशनल में, अब हम देखते हैं थ्री डायमेंशनल। तो अब हम इसलिए देखने वाले हैं यूनिट सेल रिप्रेजेंटेशन इन थ्री डी, तो थ्री डी का बनाना है तो सबसे पहले एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे हम यहाँ तक, इसमें हम तीन पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, तीन पॉइंट हो गए। अब इसके थोड़े से डिस्टेंस इधर देकर हम एक लाइन और ले जाएंगे यहाँ तक, इतना इधर बढ़ाएंगे उतना इधर कटा देंगे, वैसे यहाँ पर भी ऐसे एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो एक थोड़ा सा इसके इधर आ जाएगा, इसके इधर हो जाएगा। इसी तरह से हमें तीन बनाना है, एक यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसके सीध में बिल्कुल बनाना है, तो यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ से हम एक लाइन ऑर्डर करते हैं, यहाँ तक ले जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ दे देंगे, एक पॉइंट बिल्कुल इसके सीध में यहाँ पर, और एक पॉइंट बिल्कुल सीध में यहाँ पर। अब इस वाली लाइन के सीध से इधर से ले जाएंगे हम, एक पॉइंट यहाँ देते हुए इसके सीध तक ला कर रोकेंगे यहाँ तक। अब इस वाली लाइन से यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ तक, इसमें भी तीन पॉइंट दे देते हैं, इसके सीध सीध में देना है। ये हमारा टू स्टेप होगा, अभी हम तीसरे स्टेप में जाने वाले हैं। अब यहाँ से फिर ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे भी मेंटेन रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से एक पॉइंट हम लेकर जाते हैं यहाँ तक, ये से हो गया। अब ये दूसरी वाली लाइन से यहाँ से देखिए ना, यहाँ से तो यहाँ से लेकर जाइए यहाँ तक, इस पॉइंट के सीध तक। तो अब हमारा तीसरा वाला बचा गया, यहाँ से लेकर तीसरे को रहिए, ये जाएगा सीधा यहाँ तक। आप सबको ज्वाइन कर दीजिए, जैसे ऐसे यहाँ तक, ये वाला यहाँ से बीच में पॉइंट एक यहाँ पर आएगा ना, बीच में यहाँ पर इसका भी पॉइंट दे दीजिए, एक यहाँ पर है, एक इसके सीध में यहाँ पर आ जाएगा। अब इस वाले थोड़ा सा इधर और इसके वाली सीध में यहाँ पर,
तो अभी इसको देखिए ये, और फिर ये हो जाएगा, और फिर इस यहाँ से कैसे अब दूसरा वाला हम देख रहे हैं, दूसरे वाले को दूसरे वाले लाइन को मिलाइए, यहाँ से ले जाकर यहाँ तक मिला दीजिए, और दूसरा वाला पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर तीसरा वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। अब हमारा बचा ये तीसरा वाला, तीसरा वाला ये सीधा इस तरह इसे मिलाइए, तीसरा इसे सीधा इसे मिलाइए, तीसरा वाला यहाँ पर है, इस तीसरे वाले को यहाँ से यहाँ तक, और इस तीसरे वाले को यहाँ से यहाँ तक। अब बचा है हमारे पास एक, अब इसको भी मिला दीजिए ऐसे, इसको ऐसे, अब सबको इस तरह से जॉइंट कर दीजिए, कॉर्नर कॉर्नर वाले को, ऊपर जो एज होती है एज वाले को ऊपर हो गया। अब इसमें भी ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसे ही नीचे वाले को, ये हो गया हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। तो इसे कहा जाता है स्पेस लैटिस। तो मैंने शुरू में कहा था कि यूनिट सेल और स्पेस लैटिस, तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो वो स्पेस लैटिस का है। NaCl का क्रिस्ट्रक्चर, NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा ही होता है। तो शुरू में बात हो रही थी यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल में क्या था, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एटम्स, या फिर ग्रुप का द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, किसी ग्रुप का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन। तो ये मान लीजिए ये पूरा एक ग्रुप है थ्री डायमेंशनल का, तो फिर इसमें एक स्मॉलेस्ट क्यूब ले लीजिए, ये यहाँ पे एक ये ए हो गया, एक क्यूब यहाँ से कंसीडर कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर ये पहला क्यूब है, आप इसको ले लीजिए। तो ये एक स्मॉलेस्ट, ये एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप इस पूरी लैटिस से इसको एक छोटे से पार्ट को लेंगे तो इसे कहा जाएगा यूनिट सेल। लेकिन अगर यही यूनिट सेल ऐसे ही ये है, फिर इसके पीछे है, फिर इसके बगल में यहाँ पर है, फिर इसके पीछे यहाँ पर है, फिर इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर के पीछे है, फिर इसके बगल में यहाँ पर है, फिर इसके बगल पीछे यहाँ पर है। तो इसी तरह से जब यूनिट सेल रिपीट होती है तो स्पेस लैटिस बनती है, और स्पेस लैटिस का एक छोटा सा हम पार्ट ले लें तो उसे यूनिट सेल कहते हैं। यही था शुरू में जो पार्ट था हमारा समझाने के लिए, थ्री डायमेंशनल में रह गया था। और स्पेस लैटिस में एक पॉइंट और था कि एवरी पॉइंट सराउंडेड बाई आइडेंटिकल। तो ये पॉइंट जो है, जितने भी पार्टिकल इधर सराउंडेड होंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट इसके नीचे, एक पॉइंट इधर यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर सिक्स तरह से ये जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए ये यानी है, तो इसके चारों तरफ सीएल होंगे, यहाँ पर सीएल, यहाँ पर सीएल, यहाँ पर सीएल, और इसके इधर यहाँ पर सीएल, इधर यहाँ पर सीएल, और इसके नीचे यहाँ पर सीएल। कहने का मतलब है यहाँ पर एक एन ए के चारों तरफ सेम होंगे, अगर एन ए के चारों तरफ सेम एटम होंगे, जैसे कि सीएल। अब अगर इस सीएल को ले लें तो इसके भी चारों तरफ सेम ही एटम होगा, जैसे कि एन ए इधर है, एन ए तो इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर मिलेगा आपको एन ए, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी एन ए मिलेगा, इधर जाएंगे एन ए मिलेगा, इधर आएंगे इधर भी एन ए मिलेगा। अगर हम इसके इधर जाते हैं, अभी मैंने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट बनाया है, स्पेस लैटिस की डिफिनेशन आप देखेंगे तो उसमें इन्फाइनाइट रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट था, तो इन्फाइनाइट था, तो मैंने इसका इन्फाइनाइट तो है नहीं, तो फिर ये इसको जब हम इधर से एक और ज्वाइन होगा जो इसके बगल वाला क्यूब, तो इसके एन ए के यहाँ पर भी एन ए ज्वाइन होगा, तो इसके भी चारों तरफ यानी सिक्स सी एल के चारों तरफ सिक्स एन ए होंगे, और एन ए के चारों तरफ सिक्स सी एल होंगे।
वही था हमारा पॉइंट, सराउंडिंग इज आइडेंटिकल। और आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर कितने क्यूब हैं, तो ये एक क्यूब हमारा यहाँ से ऐसे बन रहा है और दूसरा क्यूब यहाँ से ऐसे बन रहा है और एक क्यूब ये बन रहा है और एक क्यूब इसके पीछे, दो क्यूब हो गए। एक क्यूब ये है तो एक क्यूब के बगल में एक क्यूब ये, एक क्यूब के पीछे एक क्यूब ये है, तो 2 या 2 4, तो ऐसे ही ऊपर भी है, एक इसके ऊपर यहाँ पर है, एक इसके ऊपर, एक इसके पीछे यहाँ पर, और एक ये इसके बगल में यहाँ पर है और एक इसके पीछे वाला यहाँ पर है, तो यहाँ पर टोटल 2 4 8 क्यूब दिख रहे हैं। तो इसको थोड़ा 3 डायमेंशनल में आपको इमेजिन कीजिएगा, आपको दिखेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर एटम, इसमें हम बात कर रहे थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। इसका काम पड़ेगा हमें आगे वाली वीडियो में, लेकिन समझाना इसी से है तो मैं इसी में बता दे रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, तो हमें देखना है कॉर्नर के लिए, क्यूब का जो कॉर्नर होता है, एक क्यूब ले लीजिए यहाँ पर, ये एक क्यूब है, सिंपल क्यूब। अब ये हमारा इसका जो ये कॉर्नर है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। तो जब भी क्यूब होगा, एक लैटिस में होगा, तो लैटिस में जो हमारा कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर को देखिए, वो कितने क्यूब के साथ, ये किसके कितने कितने क्यूब के साथ ये जुड़ा हुआ है, उसी का होगा वो कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ये मैंने बताया था कि अभी इसमें 8 क्यूब है, तो ये 8 क्यूब इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं, उसमें आप देख लीजिए। यहाँ से अगर पहला क्यूब ऐसे कीजिए तो दूसरा क्यूब में यहाँ से ये पहले क्यूब में भी जुड़ रहा है। अब दूसरा क्यूब जब बनाएंगे आप ये वाला, तो पहला पार्ट ये ले जाएंगे और दूसरे पार्ट में ये वाला ले जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप जब देखेंगे तो ये इससे जुड़ रहा है, हर जगह से ये जुड़ेगा। और जब ऊपर वाले बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर भी जुड़ेगा। और जब ये वाला क्यूब बनाएंगे आप ऐसे, फिर इसके बाद ये वाला करेंगे, जब यहाँ से ऐसे जुड़ेंगे, तब यहाँ पर ये कॉर्नर जो है वो हर क्यूब से जुड़ रहा है, यानी कि 8 क्यूब से जुड़ रहा है। पहला क्यूब ये आगे वाला, इसके पीछे वाला, फिर इसके बगल वाला, फिर इसके पीछे वाला, फिर इसके ऊपर वाले से भी ये जुड़ रहा है, इसके पीछे वाले से भी जुड़ रहा है, इसके बगल वाले से, इसके पीछे वाले से भी। ये कॉर्नर 8 क्यूब्स का पार्ट है, तो इसके लिए हम इसका कंट्रीब्यूशन जो हो जाएगा कॉर्नर वाले का, एट हो जाएगा। और पर यूनिट सेल के लिए निकालना है तो 1/8 हो जाएगा। अब बात करते हैं फेस की, ये हमारा जो फेस है ये वाला, ये बगल वाला, अगर ये एक क्यूब है और इसके बगल वाला क्यूब जो है वो इससे सटा हुआ है, अगर मान लीजिए ये हमारा ये पहला वाला क्यूब ये वाला है, तो इसका ये बगल वाला फेस जो है, ये वाला क्यूब जो है इसके बगल में है, तो ये वाला पॉइंट जो दो, ये वाला फेस वाला जो पॉइंट होगा वो इस क्यूब का भी पार्ट है और इस क्यूब का भी पार्ट है। और लैटिस पॉइंट जो होती है वो स्फीयर होती है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऐसा स्फीयर है, एक यहाँ पर स्फीयर है, तो ये इसमें भी होगा, आधा पार्ट इसका इसमें होगा, आधा पार्ट इसका इसमें होगा। आप इसे समझिए, जैसे कि कंसिडर कर लीजिए ये एक क्यूब है, अब इसके बगल में जो क्यूब होगा, अब इस फेस पे कोई मान लीजिए कि स्फीयर है, इसको स्फीयर कंसीडर कीजिएगा, है नहीं कीजिएगा, अगर मान लीजिए इसका आधा पार्ट ये इसमें है, तो आधा पार्ट जो इसके बगल में दूसरा रूम होगा, ये तो आधा पार्ट उसमें होगा, तो इसमें फेस वाले में जो इस पे जो पॉइंट होगा वो आधा इस फेस में, आधा उस फेस में, यानी कि ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दो हो रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2, फेस का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2। अब कॉर्नर बात कर लें, कॉर्नर हो गया, बॉडी सेंटर,
बॉडी सिलेंडर में अगर हमारे पास कोई एक क्यूब है, कोई एक रूम है, उसमें कोई एक हमारे पास पॉइंट है बीच में, तो वो और किसी रूम के बीच में तो होगा नहीं, वो बगल वाले रूम में। जैसे कि हमारे पास एक ये रूम है, एक रूम है, इसके बीच में अंदर कोई बीच में एक पॉइंट है इसके बीच में एकदम, तो ये सिर्फ इसी रूम में रहेगा, इसके बगल वाले रूम में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसमें उसका शेयरिंग नहीं होगा, सिर्फ इसी में होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन वन हो जाएगा, वन बाई वन करोगे तो वन ही आएगा। अब बात आती है एज की। अब आप देखिए ये वाली एज, अब एज की बात आती है तो एज ये वाला देखिए, ये पहला क्यूब कंसीडर कीजिए, यहाँ से ये पहला क्यूब और यहाँ से जब ये दूसरा क्यूब होगा, तो जब आप एज ड्रा करोगे यहाँ से, तो ये वाली एक एज, ये वाली जो होगी तो ये इस क्यूब का भी पार्ट है। अगर ऊपर वाला क्यूब का, ऊपर वाला जब आप ये क्यूब को ड्रा करेंगे, ये वाला ये और ये वाला जब ये करेंगे, तो ये इसका भी पार्ट होगी, इस क्यूब का भी पार्ट होगी। और जब इसके बगल वाला ये क्यूब आप ड्रा करेंगे, ये वाला एक, ये वाला और इसके इसके बाद ये वाला, फिर ये इसका भी पार्ट होगी, ये इस क्यूब का भी पार्ट है, इस क्यूब का, इस क्यूब का, इस क्यूब का, ये चार क्यूब का पार्ट है, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर इसका कंट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए कि ये एक रूम है, इसकी ये वाली एज है, तो ये इस क्यूब का पार्ट है। अभी इसके बगल, इसके ऊपर कोई रूम है, इसके ऊपर, तो ये जो एज है वो उसका भी पार्ट होगी। अब इसके इसके बगल में अगर कोई रूम आ जाए इधर इधर, तो ये एज जो होगी वो उसका भी पार्ट होगी। अब इसके ये जो यहाँ पर आएगा, अब इसके ऊपर भी अगर कोई रूम आ जाए यहाँ पर, तो ये उसका भी पार्ट होगी। यानी कि ये चार तरह से चार क्यूब, चार रूमों का, चार रूम क्यूब का पार्ट हो सकती है, तो इसका कंट्रीब्यूशन वन बाई फोर हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।